जय श्री महाकाल। आप सभी मित्रों का बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे 12 राशियों में से द्वितीय दूसरी वृष राशि के बारे में। कैसे होते हैं वृषभ राशि के जातक, क्या उनका स्वभाव होता है, क्या उनके गुण होते हैं और क्या उनके अवगुण होते हैं, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे गुण बताने वाला हूं, अगर वह वृष राशि का जातक है तो निश्चित रूप से ऐसे गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। आप देख सकते हैं कि उसकी दिनचर्या में, उसके स्वभाव में इस तरह के गुणधर्म आपको देखने को मिलेंगे। परंतु उससे पहले, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम वृषभ राशि के बारे में, कि जैसा कि आप सब जानते हैं 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि का अपना स्वामी होता है, जिसमें सूर्य और चंद्र एक एक राशि के स्वामी हैं। उसके बाद अन्य जो ग्रह होते हैं वह दो दो राशि के स्वामी हो जाते हैं। इन सभी के बीच में हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृष राशि की जिसका स्वामी है शुक्र, और शुक्र भौतिक सुख देने वाला है, सुख वैभव यश कीर्ति उसका जो सब कुछ में देखा जाता है, मुख्य रूप से उसका कारक होता है शुक्र। और शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, तो कैसे होते हैं वृषभ राशि के जातक, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातक सर्वप्रथम उनका जो अच्छा गुण होता है, सद्गुण होता है, कि वह गुरु भक्त होते हैं। जिससे सीखते हैं उसे श्रेय भी देते हैं और उसे अपना मानते भी हैं और उसे सम्मान भी देते हैं, गुरु भक्त होते हैं। और दयालु इनका स्वभाव जो है दया से भरपूर होता है, इनमें ममता होती है, मातृत्व होता है इनके अंदर, दयालु स्वभाव के होते हैं। हर किसी की मदद करना चाहते हैं और हर किसी को अपना बना लेते हैं और उसे अपने परिवार की तरह स्नेह करने का इनका स्वभाव होता है। आकर्षक होते हैं और वस्त्राभूषण प्रेमी होते हैं। जी हाँ, ऐसे जातकों का स्वभाव जिनकी वृष राशि है, उनका शरीर उनका चेहरा आकर्षक होगा, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वस्त्राभूषण के प्रेमी होते हैं। जी, ऐसे जो जातक होते हैं वो वस्त्राभूषण के प्रेमी होते हैं, नए वस्त्र आभूषण या ऐसी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं जिससे शरीर को सुंदर बनाया जा सके। आलसी, जी कुछ आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिसमें अगर किसी ग्रह विशेष का अगर प्रभाव हो जाए, शनि इत्यादि का प्रभाव हो जाए, राहु का प्रभाव अगर हो जाता है तो कुछ आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, काम को टालने की इनकी आदत हो जाती है। उसके बाद एक और इनका दुर्गुण है, अवगुण है, कान के बहुत कच्चे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके विषय में मीठा मीठा बोलकर इनसे कुछ भी कह दे तो यह उस बात को सुनकर और अपने सहयोगी से झगड़ा कर बैठते हैं। कान के बहुत कच्चे होते हैं, भ्रम में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जो सच नहीं होता है उसे भी सच मानकर और झगड़ा इत्यादि जो भी वाद विवाद कर बैठते हैं, और अधिक मित्रों वाले होते हैं। जी हाँ, वृष राशि के जो व्यक्ति हैं उनके उनका जो मित्रता का क्षेत्र है बहुत बृहद होता है और अच्छे लोगों से मित्रता करना पसंद करते हैं। सबसे पहली बात, हास्य प्रिय होते हैं, मित्रों के साथ मस्ती मजाक करना, हंसी मजाक करना, हास्य प्रिय होते हैं ऐसे जातक। और स्त्रियों से इनके संबंध बड़े मधुर होते हैं, किसी भी प्रकार की स्वभाव वाली स्त्री हो उसका संबंध इनसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो स्त्रियों के समान प्रकृति होती है। लगभग स्त्रियों को लुभाने में, उनको आकर्षित करने में स्त्रियों के समान ही गुणधर्म का प्रदर्शन करना पड़ता है, उनके अनुरूप ही चलना पड़ता है, और इसमें वृषभ राशि वाले जातक माहिर होते हैं। किस प्रकार उन्हें आकर्षित करना है, उनसे अपना काम निकलवाना है, किस प्रकार के गुणधर्म की आवश्यकता होती है उस क्षेत्र के लिए, यह वृषभ राशि वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। चाहे वह किचन का काम हो या किसी भी क्षेत्र का काम हो, स्त्रियों वाले कुछ गुण इनमें विशेष रूप से विद्यमान होते हैं। और भ्रमणशील, लगातार यात्रा करने की, घूमने फिरने की इनकी आदत होती है, भ्रमण करना घूमना फिरना इनके स्वभाव में हो जाता है। और गुणग्राही भी होते हैं, अगर
किसी के पास कुछ गुण देख लेते हैं तो शीघ्रता से उसे ग्रहण करने की आदत होती है, बहुत जल्द उस गुण को ग्रहण कर लेते हैं। और धनवान जी, वृषभ राशि के व्यक्ति अधिकांशतः धनवान ही देखे जाते हैं, परंतु ग्रह विशेष के प्रभाव में दरिद्रता इत्यादि योगों के कारण निर्धनता आ सकती है, परंतु अधिकतर धनवान ही या सुखों से भरपूर देखे जाते हैं। जनसेवक कार्य में कुशल, जनसेवक होते हैं और कार्य में कुशल होते हैं, कार्य कुशलता इनके अंदर भरपूर मात्रा में होती है। जिस कार्य को भी लेते हैं तो बहुत अच्छे से उसे संपन्न करना ये जानते हैं, बहुत अच्छे से इसे संभाल लेते हैं और पूर्ण रूप से उसे बहुत अच्छा करके दिखाने की इनके अंदर क्षमता होती है। और मनमौजी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी होते हैं, जब तक इनका मन किसी चीज़ में लगता है तब तक वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जब मन नहीं लगता तो वही चीज़ इनके लिए बहुत बुरी हो जाती है और बहुत जल्दी उससे मन चुराने लग जाते हैं। स्वभाव मनमौजी भी होता है और शांति प्रिय जी। कुछ चीज़ों में अपने विश्राम के समय, निद्रा के समय, भोजन के समय इन्हें शांति प्रिय होती है, परंतु कभी कभी इनका भी स्वभाव ऐसा हो जाता है कि यह भी अशांति फैलाने लग जाते हैं। तो दोनों तरह का स्वभाव है। कर्म विशेष में इन्हें शांति की आवश्यकता लगती है। भोगी होते हैं, मतलब सारी सुख सुविधाओं का भोग उपभोग करना चाहते हैं, वह लौकिक सुख हो, शारीरिक सुख हो या किसी भी प्रकार का सुख हो, उस सुख को भोगने की इनकी आदत है। यह हर चीज को, हर वस्तु को अपने सुख के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस तरह के गुणधर्म वृषभ राशि वाले जातक के होते हैं। अगर आपको किसी के स्वभाव में अगर इस प्रकार के गुण दिखते हैं तो निश्चित रूप से वह वृषभ राशि का जातक है। अन्य ग्रहों के प्रभाव से राशि के बलाबल के आधार पर गुणों में परिवर्तन हो सकता है, कमी या अधिकता हो सकती है, परंतु अगर वृषभ राशि का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के गुण उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। जय श्री महाकाल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय